हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एरिना ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2019 के संबंध में ऑनलाइन सर्वे के आधार पर नक्सल प्रभावित जिलों की पूरी सूची के बारे में कि किन किन राज्यों के कौन कौन से जिले हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं और आपको किस प्रकार से आपकी कट ऑफ में फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों देखिए, इससे पहले मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के ऊपर एक कट ऑफ की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको शिफ्ट वाइज आपके कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलेंगे, साथ ही साथ मैंने कौन सी शिफ्ट हार्ड आई इसके ऊपर बनाया जिस पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया, साथ ही साथ मैंने ऑनलाइन सर्वे कराया था जिसमें भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। तो उन सभी चीज़ों के लिए आप लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने मार्क्स शेयर किए। दोस्तों वहीं से बात निकल के आती है, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे सर मैं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हूँ तो मेरा तो कट ऑफ कम जाना चाहिए, तो आप इस पे वीडियो बना करके मुझे बताइए कि मेरे स्टेट का कितना कट ऑफ रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में दो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। पहली चीज़ तो आपकी कट ऑफ बताऊँगा कि आपके नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आपकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है आपके राज्य के हिसाब से, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2019 में कौन कौन स्टेट को उन्होंने नक्सल इफेक्टेड स्टेट घोषित किया है। तो ये दो चीज़ बातें बहुत बड़ी निकल के आ रही जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है कोई अपडेट छूटने ना पाए। दोस्तों देखिए, मैं अभी आज कल आपको CISF, RRB से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड तथा SSC से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती हो अपने चैनल के माध्यम से देता हूँ, साथ ही साथ आपका कोई भी क्वेरी होता है तो मैं उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स भी करता हूँ। आप जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हों वो लोग जानते होंगे कि आप लोग जब भी मुझसे कोई क्वेरी पूछते हैं मैं आपको प्रॉपर जो भी इसका सही उत्तर होता है वो देने का प्रयास करता हूँ। और जो लोग नहीं जुड़े हैं आप सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़िए, आपकी जो भी क्वेरी है उसका प्रॉपर आपको रिप्लाई किया जाएगा अगर वो वीडियो से रिलेवेंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए। देखिए, आप बहुत सारे YouTube चैनल के साथ जुड़ते हैं, वहाँ पर आप क्वेरी पूछते हैं लेकिन आपको रिस्पांस नहीं मिलता। इस चैनल के माध्यम से अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे, कोई भी क्वेरीज आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको ज़रूर रिस्पांस करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। क्या है वीडियो में, तो दोस्तों देखिए ये एक लिस्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये है 5th February 2019 की अपडेटेड की हुई है उनकी वेबसाइट पर, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे, जिन्होंने बताया है नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। ओवरऑल 90 नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है हमारे इंडिया में। तो वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि किस स्टेट में आते हैं, सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नक्सल इफेक्टेड हैं, जिसमें ईस्ट गोदावरी, गंटूर, श्रीकुलम, विशाखापट्टनम, वेनेजर, वेस्ट गोदावरी, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं आंध्र प्रदेश के। बिहार की बात करें तो इसमें 16 डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके नक्सल इफेक्टेड, जिसमें ये सारे हैं। आप मैंने वीडियो को पॉज करके आप इस सारे डिस्ट्रिक्ट अपने देख सकते हैं कि आप इन डिस्ट्रिक्टों से बिलोंग करते हैं। देखिए, अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तभी आपको वो जो कट ऑफ मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी आपको उसमें फ़ायदा होगा, जो मैं कट ऑफ बताऊँगा उसमें आपको जो फ़ायदा होगा। साथ ही साथ देखिए, अगर हम नेक्स्ट बढ़े छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में आप तो जानते हैं दंतेवाड़ा, ये सब नक्सल एरिया हैं ही, वहाँ पर जो बस्तर हुआ, दंतेवाड़ा हुआ, सुकमा, ये सारे मतलब टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। इस वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट इसमें आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, चौथा है झारखंड, जहां पर 19 डिस्ट्रिक्ट आते हैं नक्सल इफेक्टेड एरिया में, जिसमें आपको बता दिया बोकारो, धनबाद, दुमका, ये रांची, ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट झारखंड के जो हैं 19 डिस्ट्रिक्ट, ये सारे नक्सल इफेक्टेड हैं। अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, 5th स्टेट है केरला, जहां पर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं नक्सल इफेक्टेड, जिसमें मल्लीपुरम, पलक्कड़, वायनाड। ठीक है, आप लोग वायनाड से तो परिचित होंगे जहां से राहुल गांधी अभी साथी लोकसभा की सीट अभी जीते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं मध्य प्रदेश की, यहां पर 2 ही नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बालाघाट है, एक मलंदा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं तो वो है महाराष्ट्र, जहां पर 3 नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो हैं चांदीपुर, गढ़चिरौली और गोंडर। आपने गढ़चिरौली का भी सुना ही होगा, हाल ही के दिनों में वहाँ पर एक नक्सली हमला हुआ जिसमें काफ़ी सारे हमारे CRPF के जवान मारे गए। दोस्तों अब अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं, अगला राज्य है 8वां राज्य उड़ीसा, जहाँ पर अगर नक्सल प्रभावित राज्य जिलों की बात करें तो वो 15 हैं, जिसमें ये सारे हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, जो 9वां हमारा स्टेट है वहाँ पर यह है तेलंगाना, जिसमें ये टोटल जितने भी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारे नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 10th नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश में भी आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश भी नक्सली इफेक्टेड है, बट जी हाँ दोस्तों नक्सली इफेक्टेड है। यहाँ भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको नक्सली इफेक्टेड की लिस्ट में रखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इसमें चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जंगल हैं, तो यहाँ जंगल में नक्सलियों का होना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब जो आखिरी आता है वो आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में उन्होंने एक ही डिस्ट्रिक्ट को रखा हुआ है नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में। तो दोस्तों ये टोटल 11 राज्य थे, उनके कौन कौन से ज़िले थे वो मैंने आपको दिखाए, टोटल 90 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो कि नक्सल इफेक्टेड हैं। तो दोस्तों अगर आप इन किसी भी ज़िलों से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आपको पूरी सटीक कट ऑफ मिलेगी, साथ ही साथ मेल और फीमेल की मैं बताऊंगा कितनी कितनी कट ऑफ जाने वाली है इन राज्यों में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं तो मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई भी करता हूँ, साथ ही साथ आप जो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं सर इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो बनाकर भी आपको प्रॉपर पूरा जो भी रिप्लाई है वो देता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों, आपको 100% फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है कट ऑफ के ऊपर, SSC GD 2019 नक्सल इफेक्टेड एरिया स्टेट वाइज कट ऑफ मार्क्स बेस्ड ऑन रॉ मार्क्स। ये आपके रॉ मार्क्स के बेसिस पे हैं कि अभी आप आउट ऑफ 100 में जितने मार्क्स अचीव कर रहे हैं उस बेसिस पे हैं। इसके बाद जो भी आपको नॉमिनेशन मार्क्स मिलेगा वो आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो मिल करके जो आपका फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो अभी जो मैंने आपको बताया, जो आपको पता है, जैसे आपको अपने रॉ मार्क्स पता है, तो इस रॉ मार्क्स के बेसिस पे आपकी कितनी कट ऑफ बन रही है जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, SC के लिए और ST के लिए, मेल फीमेल सबका मैंने बताया हुआ है। तो आप ना स्टेट वाइज देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का जनरल कैटेगरी की बात करें तो 44 और फीमेल के लिए 42, OBC की बात करें तो 42-40, SC के लिए 38-35 और ST के लिए 36-35। इसी तरीके से अगर हम बिहार की बात करें, बिहार जो होता है नक्सल एरिया में सबसे टॉप मोस्ट उसमें डेंजर में आ रहा है, क्योंकि देखिए वहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बिहार का जो एक आप नक्सल हटा करके अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी देखेंगे कट ऑफ तो काफ़ी हाई जा रही है। वहाँ पे अगर हम जनरल की बात करें तो मेल कैटेगरी में 59 और फीमेल की 54, OBC की 56 और फीमेल के लिए 52, SC कैटेगरी में 53 मेल और 48 फीमेल, ST कैटेगरी में 50 और फीमेल के लिए 46। दोस्तों देखिए इसी तरीके से मैंने छत्तीसगढ़ का बताया, झारखंड का, केरल का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र, उड़ीसा, UP, वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल से काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए आपकी कट ऑफ मैंने बता दी है नक्सल इफेक्टेड जो भी स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिससे बिलोंग करते हैं, मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया, स्टेट भी बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। दोस्तों अगर इतने मार्क्स आपके रॉ मार्क्स अचीव हो रहे हैं आउट ऑफ 100 जो भी अचीव हो रहा है आपका इतने का, तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। दोस्तों देखिए आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे GD की, तो वहाँ पर काफ़ी कम गई हुई थी इनके नक्सल इफेक्टेड एरिया की, तो इस बार भी इतनी ही जानी है, बहुत ज़्यादा नहीं जानी। तो आप लोग इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। दोस्तों ये वीडियो मैं बनाने का एक ही मकसद था कि बहुत सारे बच्चे जो कन्फ्यूज हो रहे थे पुरानी जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उनका कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए, और उनकी कट ऑफ जो उनके अकॉर्डिंग या उनके स्टेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए नक्सल इफेक्टेड एरिया की होनी चाहिए, वो मैंने आपको देने का प्रयास किया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, देखिए इतनी मेहनत करके आपके लिए बनाया है प्रॉपर एक शीट में, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। आगे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जो बच्चे CISF की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आगे मैं आपको GK GS की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।